की गाथा का आनंद लेते हुए हमारे बच्चे सभी नर्सरी के दौरान ले रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश को आजाद कराने के लिए हमारे देश के कुछ बलिदानी जो कि देश को आजाद कराए हैं, वे सभी बच्चे इसका निरीक्षण कर रहे हैं। इसमें सभी के उदयगिरी हाउस के द्वारा लड़कियों के द्वारा बनाई गई हमारे यहाँ रंगोली का प्रभाव है। इसके ऊपर क्रांतिकारियों की तस्वीरें लगाई गई है, फोटो नीचे शिवालिक हाउस की लड़कियों के द्वारा बनाया गया है। इसमें भी भारत माता की जय के नारे और उनके सपनों के नारे की पेंटिंग लगाई गई है। नीलगिरी के बच्चों ने बढ़िया आवर नेशनल फ्लैग इज आवर प्राइड लेट्स अनफ्यूर्ड इट वर्ल्ड वाइड आजादी का अमृत उत्सव ऊपर बनाया है। अरावली के सर लड़कियों ने आजादी का अमृत महोत्सव के ऊपर बनाया पेंटिंग्स और आजादी का अमृत महोत्सव अरावली हाउस में बनाया है। बॉयज के द्वारा बनाई गई है, खास बात यह है बॉयज ने रंगोली बनाई है, इसके ऊपर पेंटिंग उनके द्वारा बनाई गई लगाई है। इसके बाद शिवालिक हाउस के बच्चों ने लगाया है, इसमें देखिए भगत सिंह की फोटो और हमारे क्रांतिकारी जो है उनकी फोटो, जवाहरलाल नेहरू की फोटो बच्चों ने पेंटिंग बनाकर के लगाई है। इसके साथ में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नीलगिरी के बच्चों ने बनाया है, काफी बढ़िया उनकी रंगोली है। इसके बाद अमृत महोत्सव के अंतर्गत उदयगिरी हाउस के लड़कों के द्वारा बनाई गई है, इसके ऊपर इनका पूरा बनाया गया है, हमारे भी लगाई गई है। हमारे विद्यालय का म्यूजियम का यहाँ प्रदर्शनी है, स्पोर्ट्स के द्वारा खेले गए बच्चों की प्रदर्शनी है, इधर स्पोर्ट्स के द्वारा है, इधर म्यूजियम के द्वारा है। हमारे नेशनल हीरो जो है ऊपर उनकी फोटो लगाई गई है, भारत के उद्देश्य का प्रॉब्लम बताया गया है, इधर ध्वज और प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है, उनका भी उल्लेख किया गया है। राइट्स हमारे विद्यालय के हैं, उनका भी उल्लेख है। इस तरीके से हमारे विद्यालय संविधान की विशेषताएं बताई गई हैं। भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार के है इसमें जानकारी दी गई है, बच्चे इसका करते करते हैं, इसका गठन कैसे होता है, संघ सूची में कौन कौन से विषय होते हैं, इन सभी की जानकारी इसमें दी गई है। सत्ता का बंटवारा महत्वपूर्ण होता है, किस प्रकार से, चार प्रकार से सत्ता का बंटवारा किया जाता है, हमारे कोर्स में भी है, बच्चे इसका आनंद लेते हैं। भारत में संपत्ति का अधिकार पहले था, अभी निकाल दिया गया इसको मूल अधिकार से। विधायक जो हमारे यहाँ MLA होते हैं उनके क्या क्या कानून अधिकार होते हैं पूरे उनके बारे में बताया गया है। 6 मौलिक अधिकार हैं उनके, प्रत्येक के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सैनिक उपचारों का अधिकार, संविधान में आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया है,
हमारे यहाँ संविधान में बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए शिक्षा में, नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में उनको विशेष रूप से आरक्षण दिया जा रहा है, जिससे सभी वर्ग के लोग उसका लाभ हो सके, सभी की बराबरी में आ सके। इसके अलावा यहाँ पर मनुष्य के क्रय विक्रय पर, बेगार पर, रोग लगा, बाल श्रम, इन सब के ऊपर जो मूल अधिकार दिया गया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी कुछ इसमें दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। प्रेसिडेंट रूल्स, हमारे देश में जब संविधान के अनुसार कोई काम नहीं हो पाता है कभी कभी, तो केंद्र सरकार को, राज्यों के सरकार को अपने अधीन कर लेती है, उसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार से होता है, उनके क्या क्या अधिकार हैं, पूरी जानकारी इसमें दी गई है। बच्चे इसकी पूरा आनंद ले रहे हैं, एक एक बच्चा पढ़ रहा है और इसकी जानकारी ले रहे हैं। भारत में चुनाव आयोग का गठन, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, संविधान में किस प्रकार संशोधन किया जाता है उसका अधिकार, जिला पंचायत सदस्यों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, भारतीय संविधान में हिंदी के लिए क्या व्यवस्था की गई है, भारत के राज्य और के अंदर व्यापार और वाणिज्य का किस प्रकार से किया जाता है उसका बताया गया है। हमारे देश में कुछ अगर किसी को प्रॉब्लम्स होती है तो उसके लिए रिट याचिकाएँ किस प्रकार से दायर की जाती हैं, बच्चों की इसकी तक जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा आर्टिकल 370 जो कि पहले जम्मू कश्मीर में था, उसको विशेष दर्जा दिया गया था, अभी उसको हटा दिया गया है। वहाँ पर फिर भी बच्चों की इसकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए इसमें दोनों नक्शे बताए गए हैं, पहले का इस प्रकार से था, पूरा एक था, अभी दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके अलावा संसद का गठन के हमारे यहाँ पूरा बताया गया, संसद के कैसे होते हैं, इसमें दो हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा में हमारे यहाँ के कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, पूरी जानकारी बच्चों को बताई गई है। योजना आयोग किस प्रकार से हमारे यहाँ काम करता है, अभी योजना आयोग का काम निकाल करके नीति आयोग कर दिया गया है, इसका भी पूरा जानकारी दी गई है, किस तारीख को इसका आयोग नीति आयोग किया गया, पूरा वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग के क्या काम है, पूरा का पूरा बच्चों को मालूम होना चाहिए, उसकी जानकारी दी गई है। अनुसूचित जात जनजाति के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिला अदालतें गांवों में कुछ मुकदमे वगैरह जो होते हैं उनको दे दिया जाता है, तो गांव के लोगों को जिला में अपने ही फैसला हो जाता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर लोक अदालतें गठन किया गया था हमारे यहाँ, जिसके द्वारा बच्चों को लोक अदालत के बारे में जानकारी दी जाती है, किस प्रकार से कुछ मिलजुल करके फैसले ले लिए जाते हैं और गांव के लोगों को उसका फायदा मिलता है, किस प्रकार से गांवों में पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ रहती है, शहरों में नगर पालिका महापालिकाएं कैसे स्थापित की जाती है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। हमारे देश में 44वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था, जो कि 1978 में था, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। फिर उसके बाद अपने देश में आर्थिक क्षेत्र की अगर कोई गलती होती है, कुछ होता है, तो वो किस प्रकार से नियंत्रित किया जाएगा, किस प्रकार से उसका जांच की जाएगी, पूरी जानकारी बच्चों को दी गई है। अटॉर्नी जनरल किस प्रकार से हमारे यहाँ सलाह देने के लिए रहते हैं, उसका भी काम और उसका चुनाव कैसे होता है बताया गया है। यहाँ से हिस्ट्री का हमारे यहाँ प्राचीन इतिहास के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में बताया गया है, उनके बारे में किस प्रकार से है, महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी दी गई है, बच्चे उसको पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से आनंद ले रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के ऊपर इस प्रदर्शनी का काफ़ी महत्व बताया गया है। इसके इधर हमारे यहाँ जो मंदिर हैं, मंदिरों के बारे में, सूर्य मंदिर, बेरूल की गुफाएँ, अजंता की गुफाएँ, राजेश्वर मंदोर, तंजापुर का लाल किला का इतिहास के बारे में पूरा बताया, जहाँ से 15 अगस्त का झंडा कल प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ फहराएंगे, उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। फिर उसके बाद अकबर बादशाह के बारे में बताया गया, हमारे यहाँ इनके बारे में किस कब जन्म हुआ था, उनके लिए उनके नौ दरबारी नौ रत्न थे, पूरी जानकारी दी गई है।
शिवाजी महाराष्ट्र की शान, उनके बारे में हमारे जानकारी किस प्रकार उनके माँ बाप का नाम था, छोटे छोटे बच्चे छठी क्लास के बच्चों को टीपू सुल्तान मैसूर के टाइगर के नाम से प्रसिद्ध थे, उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ১৯০৫ के बंगाल विभाजन के बाद किस प्रकार से देश में एकता निर्माण हुई थी उसकी पूरी जानकारी है। सहायक योजनाएं जो इसके द्वारा कंपनी ने इंग्रेज सरकार ने यहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार किया था उसकी जानकारी दी गई है। पानीपत की लड़ाइयों के बारे में बताया गया है यहाँ पर, ये सभी जानकारी यहाँ पर हमारे प्रदर्शनी के माध्यम से दी गई है। बाकी ज्ञान सर तुम्हें ज्ञान है मोहब्बत ने।